हाय गाइस, यमी ट्रीट विद जूली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो पिल्सबरी चॉकलेट फ्लेवर पैनकेक मिक्स से बना हुआ है। लेकिन ये पैनकेक नहीं है, ये बना है केक। तो बहुत ही सॉफ्ट है, स्पंजी है और लाइट स्वीट है। और सबसे खास बात मुझे लगा ना, इसका टेस्ट ना मुझे इतना पसंद आया तो बच्चों को तो खैर बहुत ही पसंद आने वाला है। और आप इसको ना झटपट बना लोगे। सुबह बच्चों को अगर ब्रेकफास्ट के साथ देना है ना कि वो फटाफट अपना नाश्ता खा ले, तो आप ये पैकेट घर लाओ और फटाफट से बनाओ। तो चलो हम चलते हैं, इसको बनाते हैं कैसे वो देखते हैं। गाइज, मैंने यहाँ पे 80 ग्राम का पैकेट लिया है और ये 40 रुपीज का सिर्फ आता है। और इसके लिए मैंने जो है 1 कप मिल्क का इस्तेमाल किया है। बस इसको कट करना है, एक अच्छे से बॉल में आपको ले लेना है। थोड़ा सा बड़ा बॉल लेंगे सो दैट कि हम इसको अच्छे से ना मिक्स कर पाए। तो सारा हम इसमें से निकाल लेंगे पैकेट से और फिर हम इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो बटर और अगर चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे चीनी पाउडर भी मिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध करके पहले डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे वरना लम्स आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसको जो है मिक्स करेंगे। दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है और इतना फ्लफी बना था ना कि दिल कर रहा था कि हम इसको और खाएं। और आप इसमें चाहे तो यहाँ पर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस दूध डाला, फटाफट से आप इसको मिक्सिंग में जो आपका टाइम लगेगा बस वही टाइम है लगेगा और फटाफट से ये तैयार हो जाएगा। वैसे दोस्तों 500 ग्राम का भी पैक आता है इसका, तो आप वो भी लाओगे तो केक बड़ा बनेगा। और अगर आप पैनकेक बनाते हैं तो इस पैकेट से 7 से 8 पैनकेक आपका तवे पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल लम्स नहीं है, कुछ भी लम्स नज़र नहीं आ रहा और अच्छा सा कंसिस्टेंसी भी इसका आया है। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं ज़्यादा अब करना है आपको। एक केक पैन लेंगे, उसको हम तेल से या बटर से ग्रीस कर लेंगे। वैसे मैं यहाँ पर बटर लगा रही हूँ। चारों तरफ हम बटर लगा लेंगे बहुत अच्छे से, साइड में भी और इसके बॉटम में भी। और फिर यहाँ पर हम इसी साइज़ का एक बटर पेपर कट करेंगे और इसमें जो है हम बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद हम बैटर को धीरे धीरे इस टीन में डालेंगे, बहुत अच्छे से डालेंगे सावधानी से। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसमें बबल ना बनने पाए, इसके लिए हम चारों तरफ से बर्तन को जो है थपथपा देंगे। इससे क्या होता है कि बबल्स नहीं बनेगा और बाद में आपका केक भी बहुत अच्छा बनकर निकलेगा। तो देखा कितने आसानी से ये हमारा केक जो है रेडी होने जा रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने एक बर्तन में, केक के लिए मैं नमक अलग से रखती हूँ, तो मैंने नमक डाल लिया था बर्तन में। और यहाँ पर जो है मैंने इस केक टीन को डाल दिया सावधानी के साथ, क्योंकि बर्तन थोड़ा गर्म हो गया है। और फिर हम इसको एक बर्तन से ढक देंगे और ढक करके हार्डली आपको 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं इसको पकने में। और ये देखो केक आपका फुल कर कितना बड़ा हो गया है। एक टूथपिक से मैंने चेक किया और हमारा केक जो है 7 मिनट लगे बस ये बनकर तैयार हो गया है। सावधानी से इसको निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा होने रखा और टैप करके इसको प्लेट में निकाला और ये हमारा एकदम सुपर टेस्टी इंस्टेंट केक बनकर तैयार हो चुका है। देखो इसके साइड्स भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं और बबल्स भी नहीं आए हमारे केक में। फिर आप अपनी मनचाही चीज़ों से इसको डेकोरेट कर लो। मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट से थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया, इसको सजा लिया है और साथ में डाला है टूटी फ्रूटी। तो बस हमारा केक खाने के लिए तैयार है, झटपट से बन गया है और सुपर टेस्टी तो खैर है ही, ये आपको बनाने के बाद और खाने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit.